नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राहुल गांधी ने आमिर खान के खिलाफ टिप्पणी को लेकर पर्रिकर पर साधा निशाना। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने असहिष्णुता पर आमिर खान की टिप्पणी को लेकर अभिनेता के बारे में बयान देने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि आरएसएस और पर्रिकर जी हर किसी को सबक सिखाना चाहते हैं। यहां आपके लिए भी एक सीख है। नफरत कायर का हथियार है और यह कभी जीत हासिल नहीं कर सकता। इस बीच कांग्रेस ने भी भाजपा और आरएसएस पर दलितों, अल्पसंख्यकों, लेखकों, अभिनेताओं और मोदी सरकार के खिलाफ असंतोष जताने वाले को निशाना बनाने के लिए नियोजित साजिश का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि पर्रिकर का काम पाकिस्तान जैसे विदेशी आक्रमणकारियों से भारत को बचाना है या अपने देशवासियों को धमकी देने का है। उल्लेखनीय है कि पर्रिकर ने शनिवार को कहा था कि देश के खिलाफ बोलने वाले को सबक सिखाना चाहिए। काबुल में तालिबान ने ट्रक बम से किया हमला। तालिबान ने काबुल में विदेशियों के लिए बने गेस्ट हाउस पर आज सुबह विस्फोटकों से भरे ट्रक से हमला किया गया। इस हमले से कुछ ही दिन पहले अफगान राजधानी में बीते 15 साल का सबसे घातक हमला हुआ था। हालिया ट्रक हमले में हुए विस्फोट में किसी के हताहत होने की कोई तत्काल खबर नहीं है। विस्फोट की आवाज पूरे शहर में सुनी गई। सुरक्षा से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि विस्फोटकों से भरे ट्रक से नॉर्थ गेट गेस्ट हाउस के प्रवेश द्वार पर हमला किया गया। नॉर्थ गेट उत्तर काबुल में अमेरिका द्वारा संचालित बगराम एयरबस के पास स्थित है और यहाँ विदेशी कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। इस परिसर की सुरक्षा के लिए यहाँ विस्फोट रोधी दीवारें और निगरानी वाले टॉवर लगे हैं। इराक से दिल्ली आ रहा था विमान, कुवैत में आपात लैंडिंग। इंजन में आई समस्या के कारण 230 यात्रियों को लेकर नई दिल्ली जाने वाले इराकी एयरवेज के विमान की कुवैत में आपात लैंडिंग करानी पड़ी। एयरवेज कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि रविवार को 230 यात्रियों के साथ नई दिल्ली जा रहे बोइंग 767 विमान के दो इंजनों में से एक ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए एहतियातन के तौर पर इसे कुवैत में उतारा गया। कंपनी ने कहा कि यात्री अपने आगे के सफर को पूरा कर सके, इसलिए एयरबस A321 विमान को कुवैत भेजने की योजना बनाई गई है।